मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। हालात यह है कि नदी के किनारे के गांव में जलभराव की स्थिति बन गई है, तो वहीं शहरी क्षेत्र भी इससे अछूते नहीं है। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह उड़न खटोले से दौरा करके प्रदेश की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं उनके काबीना मंत्री भी लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के हरदा जिले में नजर आया, जहां शिवराज के मंत्री कमल पटेल खुद ट्रैक्टर चलाकर बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में पहुंचे और लोगों को ढांढस बंधाया कि पूरी सरकार इस मुसीबत की घड़ी में आपके साथ है, आपको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, जो भी समस्याएं आ रही है उनका समाधान किया जाएगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने हरदा जिले के वर्षा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। उन्होंने गांव में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मंत्री पटेल ने कहा कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सभी की हर संभव मदद करेगी। मंत्री पटेल ने ग्रामीणों की मदद के लिए कहीं स्वयं खाना बनाया तो कहीं उन्होंने राशन सामग्री वितरित की, कहीं उन्होंने पैदल भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया तो कहीं उन्होंने स्वयं ट्रैक्टर चलाकर हालातों का जायजा लिया। कमल पटेल आज दिन भर हरदा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में पहुंचकर हालातों का जायजा लेते रहे। उन्होंने ग्रामीणों और किसानों से मिलकर आश्वस्त किया कि सरकार सभी के साथ है, वे स्वयं को अकेला न समझे, हर क्षेत्र में सरकार हर संभव मदद करेगी।